आज हम आप लोगों को प्रतिरोध का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। प्रतिरोध दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम में लगाए हुए होल्डर बल्ब हैं, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जिधर से धारा बह रही है उसमें उसके मार्ग में कोई अवरोध जो पैदा हो, यानी विद्युत के मार्ग में जिससे धारा बहती है उसके मार्ग में कोई अवरोध पैदा, उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन इसके मार्ग में सिर्फ एक ही बड़े लगातार एक ही लेकिन लाइन में किसी प्रकार का दूसरे मार्ग नहीं आ रहा, एक ही रास्ते में चलती जा रही है, तो इसलिए इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। दूसरे वाले को अगर देखें तो ये वायर है, एक ये वायर है, यहाँ से हम आते हैं तो जैसे यहाँ पहुँचते हैं पाँच पाँच मार्ग विद्युत को मिल जाते हैं, इसके रास्ते में पाँच पाँच मार्ग मिल जाते हैं, पाँच होल्डर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। जहाँ पर विद्युत बह रही है रास्ते में मार्ग एक से अधिक हो जाए तो समांतर क्रम, अगर मार्ग में कोई अवरोध सीधे से एक ही रास्ता रहे तो फिर उसका जो है श्रेणी क्रम होता है। तो लगाकर हम देखते हैं कि परिवर्तन क्या होने वाला है। यहाँ पर हमने सप्लाई लिया है जहाँ से विद्युत आ रही है, करंट आ रहा है, इस करंट में लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लगाने पर हमें ये प्राप्त हुआ कि सारे बल्ब जो है बहुत ही धीमी गति से जल रहे हैं, बिल्कुल स्लो गति से जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं मैं अभी बताऊंगा। और उसके बाद में जब हम इसको लगाते हैं जो हमने समांतर क्रम में रखा था, समांतर क्रम में जो रखे हुए बल्ब को लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि तुरंत ही सारे बल्ब जो है बहुत ही तीव्र गति से जलना प्रारंभ कर देते हैं। यानी सेम एकदम किसी के अंदर कोई चीज़ें नहीं, परिवर्तन नहीं, लगातार तेज जल रहा है। क्यों जल रहा है? कारण ये है कि जब हम श्रेणी क्रम में रखते हैं तो जो धारा बह रही होती है वो धारा इन सभी बल्बों में बट कर मिलती है और यहाँ पर वही धारा सबको अलग अलग मिल रही है। इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि श्रेणी क्रम में जब भी हम कोई बल्ब जलाएंगे तो वह स्लो रहेगा, यानी उसकी धारा बट जाएगी और यहाँ पर नहीं बटेगी, इसलिए इसकी धारा पूरी की पूरी मिल रही है। इस प्रकार से हम लोग जाने कि प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। अब जैसे हम श्रेणी क्रम वाले को देखें तो श्रेणी क्रम में एक बातें और समझते हैं कि यदि हम श्रेणी क्रम में रखें कुएं को लगाएं और लगाने के बाद में यदि हम यहाँ से कोई भी वायर यदि हम निकालते हैं, जा पकड़ लो, कोई भी वायर यदि निकालते हैं, एक स्टूडेंट का हेल्प चाहेंगे, यहाँ बेटा इसको पकड़ो, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी भी बल्ब को कहीं से भी निकाल दें तो फिर ये सारे बल्ब बुझ जाते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी निकाले, नहीं कि ये बीच से निकालें, साइड से निकालें, कहीं से भी निकालेंगे तो सारे के सारे बल्ब बुझ जाते हैं। बुझने का कारण भी यही है कि ये अंदर अंदर इसके जो है करंट लेता रहता है, यानी इस यहाँ से आया तो इस स्प्रिंग के माध्यम से फिर घूम के आया, तो जैसे ही कहीं निकालेंगे तो कनेक्टिविटी इसकी टूट जाती है, कारण बुझ जाते हैं। तो पर जहाँ पर श्रेणी क्रम होगा अगर उसके रास्ते को हम हटाएंगे तो अपने आप ही सारे मार्ग अवरोध हो जाएंगे। अब इसका मतलब कि यहाँ से निकाले तो यहाँ से निकालेंगे तो ये एक रास्ता तो जा रहा लेकिन उधर नहीं आएगा, यानी दोनों प्रकार का चाहिए इसलिए मिल नहीं रहा। तो कहीं से बल्ब निकालेंगे तो जलेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं। तो ये रहा श्रेणी क्रम का। अब पूर्णतः आप लोग समझ चुके होंगे कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है।